नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। देशभर में कोलकाता रेप मर्डर घटना की ओर एक कड़ी निंदा। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में ओपीडी सेवा ठप। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। अलवर लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। सभी छात्र और शिक्षक रहे मौजूद। महिला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कानून की मांग। धौलपुर में इस मॉनसून सीजन में औसत से अधिक बारिश दर्ज। अधिक बारिश से हुई जलभराव की समस्या। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। अलवर में सर्व समाज ने शहर में निकाला जुलूस। बांग्लादेश की हिंदू विरोधी घटना का जताया विरोध। घटना को लेकर हिंदू समाज में भारी आक्रोश व्याप्त। उदयपुर में यूपी के तर्ज पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। चाकूबाजी के आरोप पर घर पर चला बुलडोजर। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर प्रशासन की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद की गई हत्या के विरोध में शनिवार को ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और एआरआईएसडीए के आह्वान पर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के चिकित्सकों ने ओपीडी का बहिष्कार किया। बहिष्कार के दौरान एकेएच के सभी चिकित्सकों ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के मुख्य गेट पर संगठन के उपाध्यक्ष डॉक्टर एसएस सोनी के नेतृत्व में घटना की निंदा करते हुए कड़ा आक्रोश जताया। इस दौरान उपस्थित चिकित्सकों ने मृतका को न्याय दिलाने और दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। शनिवार को ओपीडी बहिष्कार के दौरान मानवीय सेवा को सर्वोपरि रखते हुए अस्पताल के इमरजेंसी में सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहीं। संगठन ने देश को दहलाने वाली घटना के समर्थन में सबने स्ट्राइक रखी है। इस स्ट्राइक का उद्देश्य केवल यही है कि जो हम लोग तन मन धन से जनता की सेवा करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ लोग इस तरह का घटना करके दोनों के रिलेशन खराब करना चाहते हैं। हम प्रशासन से ये करेंगे कि हमारी सुरक्षा हो, इस तरह की घटना वापस पुनरावृत्ति नहीं हो, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। और साथ में इस हड़ताल के साथ में हमने इमरजेंसी और आईपीडी को सेवाएं चालू रखी। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए अन्य सेवाएं से हम ओपीडी सेवाएं से हम आज अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे जैसा कि है। और जल्दी हमें आशा है कि प्रशासन और सरकार इसकी तरफ ध्यान देके जल्द से जल्द कानून और दोषियों को। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना से देश भर में आक्रोश फैला हुआ है। इस घटना के विरोध में बांसवाड़ा शहर में सर्व समाज मेडिकल स्टूडेंट्स डॉक्टर्स ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। शहर में विभिन्न समुदाय के लोगों ने मिलकर रैली निकाली, जिसमें महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। एमजी अस्पताल चौराहे के बाहर मृतका की याद में कैंडल मार्च आयोजित किया गया, जिसमें शहरवासियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। इस रैली में शामिल लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। एवानियत से भी ज्यादा क्रूरता बरतते हुए और उसके साथ गलत काम करके उसको इतनी बुरी तरह से मार दिया गया कि शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके रोंगटे खड़े नहीं हुए होंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी सशक्त हो कि इन दरिंदों के साथ वैसा ही जुल्म किया जाए जैसा उस बेटी के साथ हुआ है। अगर हमने उसके साथ बदले से बदला नहीं लिया या उसको चौराहे पर आकर नहीं घसीटा, तो शायद ये जो इस तरह के जुर्म है वो निरंतर हम जो सुन रहे हैं वो होते चलेंगे और इस पर न्याय नहीं मिलेगा। जो इन दीदी के साथ हुआ है वो आगे किसी के साथ भी नहीं हो। मैं खुद एक लड़की और मेरी खुद की एक 2 साल की बेटी है, तो मुझे उसके लिए भी चिंता होती है कि कहीं उसके साथ ऐसा न हो जाए। बाहर पढ़ने भेजने में, बाहर उसको पढ़ाई करने भेजने में डर लगता है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि इसलिए हमारे देश में ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई किसी लड़की के साथ गंदा काम करता है तो उसे बीच चौराहे पे खड़ा रख के उसे गोली मार देनी चाहिए, जैसा कि अन्य देशों में होता है। प्लीज इसके ऊपर विचार कीजिए ताकि आगे किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो, किसी कोई भी बेटी के जन्म लेने पर दुखी नहीं हो और खुश हो कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है। प्लीज इसके लिए कुछ न कुछ कीजिए, वरना हमारे देश की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। 8 अगस्त की रात को कोलकाता में जो मोबिता की के साथ हैवानियत हुई है, उसको लेकर युवाओं में बहुत आक्रोश है, स्पेशली महिलाओं में बहुत आक्रोश है कि वो अपने वर्क प्लेस पर भी सेफ नहीं है। हमें पूजना
करना बंद कर दीजिए, हमें पूजने की कोई जरूरत नहीं है, हमें समानता से जीने का अधिकार दे दीजिए। अभी तक 8 से लेकर आज 16 तारीख हो गई, अभी तक हत्यारों को हैवानों को पकड़ा क्यों नहीं गया? जस्टिस में इतना डिले क्यों हो रहा है? और जो निर्भया कांड 2012 में हुआ था उसके बाद भी अब तक इस तरह के बहुत सारे कांड हो रहे हैं बार बार। बेसिकली जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो कुछ दिन पहले जो हत्याकांड हुआ है बलात्कार के बाद एक महिला रेजिडेंट के साथ, उसके एवज में आज ये जन आक्रोश रैली थी। इसमें सभी डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के साथ साथ जो नर्सिंग ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और इससे जुड़े मेडिकल विभाग से जुड़े हुए तमाम जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब ने इस रैली को सफल बनाया। अरवल लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी फिजियोथेरेपी के डॉक्टर और यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नगली सर्कल से लेकर शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सभी छात्र और शिक्षक मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर्स ने महिलाओं और डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सरकार से मांग की। इस प्रकार की घटना दोबारा से ना हो, इसके लिए कोई मजबूत कानून लाया जाए ताकि महिला और डॉक्टर सुरक्षित रहें। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को लेकर सीरियस नहीं होती है, कोई कदम नहीं उठाती है, तो हड़ताल आगे भी बढ़ाई जा सकती है। के लिए एक कैंडल मार्च का शेड्यूल रखा है ताकि ये मैसेज हम जनता के बीच में और सरकार के बीच में भी दे सकें कि हम लोग हमारे एसोसिएशन के बैनर पे खड़े हुए हैं और इस जस्टिस के लिए डेफिनेटली रिक्वायर्ड है जो इस तरह की मुहिम चलाई जाए। बात सिर्फ बैनर की है या फिर उस बच्ची की जिसका डेफिनेटली इसीलिए ही हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो ये क्राइम हुआ है वो किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में हर कंडीशन में निंदनीय है, और इसी मुहिम को आगे छिड़ाते हुए सभी लोगों के बीच में ये बात रखी गई है ताकि लोगों के बीच में और जो सरकार बैठी हुई है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, हर एक मेडिकल प्रोफेशन और हर एक जो समाज है वो सब खड़े हुए हैं इस जो निंदनीय जो कार्य हुआ है उसके विरोध में, वुमेन सेफ्टी के बिहाफ पे सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की दर्दनाक घटना के विरोध में चिकित्सकों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी कोलकाता मेडिकल कॉलेज की महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई दर्दगी और हत्या के मामले में डॉक्टर्स ने हड़ताल का विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अस्पताल में ओपीडी सेवाएं पूर्ण रूप से बंद रखी गई, हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा गया जिससे मरीजों को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो महिला रेजिडेंट चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या हुई है उसके विरोध में आज समस्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा समस्त ओपीडी को बंद किया गया और इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई। ये आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। धौलपुर जिले में इस मॉनसून सीजन में औसत से अधिक बारिश हो चुकी है और अभी 1.5 महीना शेष है। जिले में अब तक हुई बारिश से शहर की 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियों के रास्तों पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। धौलपुर शहर से होकर गुजर रहे NH-11B पर जलभराव बना हुआ है। जलभराव को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हाईवे पर पानी में नाव चलाकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि NH-11B पर जलभराव के हालात बने हुए हैं। छितरिया ताल ओवरफ्लो होने की वजह से हाईवे से पानी पहुंचकर शहर की 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में घुस रहा है और रास्ते तालाब के रूप में तब्दील हो गए हैं। पिछले 15 दिन से शहर के हालात बदतर हो रहे हैं। खबर धौलपुर से है, जहां औसत से ज्यादा बारिश होने के चलते जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तस्वीरें धौलपुर से हैं, जहां प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ग्रामीण सड़क पर नाव लेकर उतर गए। देखिए आज हमारे धौलपुर जिले में
ये नगर परिषद और धौलपुर का प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका है कि आज आधा धौलपुर पानी में डूब चुका है। ये नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे के हालात आप लोग देख रहे हैं, इसमें इतने गड्ढे हो चुके हैं कि अगर कोई बाइक वाला अचानक से आ जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए। एक तरफ हमारे जिले के DNSP पेड़ लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने चाहिए, लेकिन जिनके साथ जिंदगी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के मरने के बाद आप उनको 10-5 लाख रुपए उनको मुआवजा देंगे, लेकिन उसका कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कितना परेशानी लोगों को हो रही है, आधा धौलपुर इसमें डूब चुका है। भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के नगर परिषद इतना निकम्मा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में हिंदू लोगों पर हो रहे हमले को लेकर आज अलवर में शहर के सर्व समाज के लोगों ने शहीद स्मारक से लेकर पुराना कटला स्थित तक जुलूस निकाला, जिसमें सभी हिंदू लोग शामिल हुए। इस मौके पर महंत गंगादास ने बताया कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है, उसी के खिलाफ ये जुलूस शहीद स्मारक से जगन्नाथ मंदिर तक निकाला गया। राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी संगठन हिंदुओं पर जिस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, ये हिंदू लोग बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। अलवर में सर्व समाज की ओर से जुलूस निकाला गया। इस दौरान बांग्लादेश में हो रहे घटना को लेकर बदल रही परिस्थितियों को लेकर सर्व समाज ने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने सरकार को अवगत कराया है। उनका कहना है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को हिंदू सर्व समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हाथों में बैनर लिए अलवर में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भारी संख्या में हिंदू शामिल हुए। आज जो ये रैली शहीद स्मारक मार्ग से निकल कंपनी बाग से निकाली है और जगन्नाथ मंदिर तक, और हिंदुओं में, हमारे भारत के हिंदुओं में आक्रोश है, जोश है कि हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, भयंकर अत्याचार हो रहा है, जो वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उससे पता चल रहा है कि कितना अत्याचार ये लोग वहाँ कर रहे हैं। तो मेरी भारत सरकार से विशेष कर मांग है कि उन पर संज्ञान ले, हमारे हिंदुओं को मतलब उनको सुरक्षा प्रदान करवाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उनको कराई जाए, और यहाँ पर भारत में जितने भी बांग्लादेशी हैं यहाँ पे जो घुसे हुए हैं अत्याचारी हैं उनको भी तुरंत बाहर करें, क्योंकि रोगिया और बांग्लादेशी भारत में भी बहुत संख्या में हैं, कई करोड़ों की संख्या में यहाँ घुसे पड़े हैं। तो मेरा भारत सरकार से ये विनम्र आग्रह है कि इनको तुरंत बाहर निकाले और हमारे हिंदुओं की सुरक्षा करे। हमारे भारतवर्ष इस महान देश की परंपरा रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। जो हमारे सनातनियों का जो एक शुभ संकल्प है कि पूरे विश्व में सब जन समुदाय, जनमानस, प्रत्येक मानवीय का, उनका अपनी जो संस्कृति है, संस्कार है, उनका रक्षा हो, और हमारे सनातनियों का ये उनका उद्देश्य है कि जहाँ कहीं भी हमारे जो धर्म सनातन धर्मी प्रेमी हैं वो सबका सबको उनके स्वाभिमान को, उनके संस्कृति संस्कार की रक्षा हो। मकराना में खान माफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर विधायक जाकिर हुसैन ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। विधायक ने पीड़ित पक्ष के महिलाओं के साथ पुलिस पर बदसलूकी और गलत व्यवहार का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि कालानाडा क्षेत्र की रेवत डूंगरी खान पर चल रहे विवाद को लेकर शनिवार को मकराना विधायक जाकिर हुसैन गहसावत के नेतृत्व में खान मालिक और अन्य लोगों ने थानाधिकारी राजेश डूडी को ज्ञापन दिया। विधायक ने आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मकराना में खान माफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर विधायक जाकिर हुसैन थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित पक्ष की महिलाओं के साथ पुलिस पर बदसलूकी और गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
लंबे समय से कालानाडा क्षेत्र की रेवर डूंगरी खान पर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर विधायक जाकिर हुसैन थानाधिकारी के पास पहुंचे। उन्होंने थानाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि विधायक का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मौजूद महिलाओं के साथ पुलिस की ओर से गलत व्यवहार किया गया है। ड्यूटी बढ़ती मेरे को मकड़ा की जनता ने चुना है। मैं विधायक हूँ, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई समाज का व्यक्ति हो, जिसके साथ अन्याय होगा मकड़ा की जनता हमेशा साथ रहेगी। अब जो व्यक्ति जिसका वजूद ही नहीं है, जो खान मालिक ये कयूम साहब और ये समद साहब, इनकी माँ के नाम माइंस है और ये कहता है कि इनके कोई परिवार से मेरे बाप ने इतने पैसे दिए तो उसका कोई पैसे दिए और 21 साल से कान काट रहा हूँ, 21 साल से कान को जिसको पैसे दिए उसका कोई विटनेस नहीं है और ना कुछ का लेना देना है, और जिसका दिया वो 18 साल पहले मर गया, ना उसका लाइसेंस में नाम है ना उसका कोई टाइटल है। तो इस तरह से हमने सबने मिल के यह ज्ञापन दे दिया। खेड़ली कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक मोक्ष वाहिनी का लोकार्पण किया गया। कस्बे का एक भमाशाह परिवार द्वारा ये वाहन अपने दिवंगत माता पिता की याद में सर्व समाज को दिया गया। मथुरा रमणेरेती के संत स्वरूपानंद जी महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम के दौरान दानदाता परिवार के भगवान सहाय टाल वाले संजीव मित्तल और सतीश मित्तल और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मोक्ष वाहिनी को अग्रवाल समाज के सानिध्य में स्वर्ग आश्रम सेवा समिति को समर्पित किया गया, जिसके बाद संतों की मौजूदगी के वाहन पर स्वास्तिक बनाकर लोकार्पण भी किया। मोक्ष वाहिनी से कस्बे में शव को शमशान घाट ले जाने और लावारिस शवों के अंतिम संस्कार में सुविधा रहेगी। यूपी की तर्ज पर उदयपुर में भी अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर अभियान शुरू हो गया है। जी हां, शुक्रवार को शहर के सूरतपोल थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की वारदात हुई थी, जिसमें 10वीं का छात्र देवराज मोची गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल बच्चे का एमबी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं शनिवार को हमलावर स्टूडेंट के घर से अवैध निर्माण तोड़ा गया। वन विभाग और नगर निगम ने कार्रवाई शुरू करने से पहले घर की बिजली कनेक्शन काट दी, इसके बाद घर को खाली भी कराया। वन विभाग ने शुक्रवार सुबह ही घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया था। हालांकि नोटिस में 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था, लेकिन शनिवार को ही अवैध निर्माण को हटाने का कार्य किया गया। अधिकारियों का कहना है कि ये वन विभाग की जमीन है। वन विभाग के साथ नगर निगम ने भी अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया था। आरोपी के घर के बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। उदयपुर में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल कुछ दिन पहले चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें 10वीं कक्षा का छात्र घायल हो गया था, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल छात्र की हालत नाजुक बताई जा रही है। अवैध मारवाड़ जंक्शन के भगवानपुरा गांव में भंवर राज सिरवी नामक युवक के घर पर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़ मकान में रखे सोने चांदी के लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात के समय उक्त परिवार पारिवारिक कार्य से बाहर गया हुआ था। मकान मालिक के लौटने पर मकान के ताले टूटे देखने पर चोरी की वारदात का पता चला। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी स्थल का अवलोकन किया। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। मारवाड़ में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां चोरों ने एक सोने घर को निशाना बनाया। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब घर में कोई भी मौजूद नहीं था। जब मकान मालिक वापस आए तो उन्होंने घर का ताला टूटा हुआ पाया, जिसके बाद उन्हें चोरी की वारदात का अंदेशा हुआ। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।
अलवर ईडीजे नंबर 3 न्यायालय ने पति की हत्या करने के मामले में महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20,000 रुपए का जुर्माना किया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि महिला और उसके पति के बीच झगड़ा होने के दौरान पत्नी ने पति की हत्या कर दी थी, जिसकी शिकायत मृतक की मां ने थाने में की थी। मामला दर्ज कर तत्कालीन थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने इस मामले का अनुसंधान किया और न्यायालय में चालान पेश किया, जहां आज एडीजी कोर्ट 3 न्यायाधीश नरेश सिंह चौधरी ने आरोपी पूनम को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20,000 का जुर्माना किया है। अलवर में एडीजे नंबर 3 न्यायालय ने पति की हत्या करने के मामले में महिला को सजा सुनाई है। कोर्ट की ओर से महिला को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार महिला और उसके पति के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने अपने पति की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। कोर्ट के आदेश के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलवर में पत्नी ने पति की हत्या कर दी, जिसके बाद महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही महिला पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक घरेलू विवाद के चलते महिला ने पति की हत्या कर दी। पूनम नाम की महिला, ये करण जाटव है, दिल्ली दरवाजा का रहने वाला था। उसके साथ ये बतौर पति पत्नी के तरह बुध विहार गणेशवाड़ी में किराए पर रहते थे। ये मजबूरी करता था, किसी बात को लेकर इसमें विवाद हुआ तो पत्नी जो पूनम जाटव मुंडी में, इसने क्या कि बेसबॉल के डंडे से सर पे मारी, करण के सर पे मारी, जिससे क्या है कि उसकी गंभीर चोट आई और उसकी डेथ हो गई। इस घटना की दयावती जो मृतक की माँ है, उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। व्यावर शहर के फतेहपुरिया दोयम पूनम विहार कॉलोनी स्थित नदी में शनिवार को एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नदी में शव होने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने सांकेत नगर थाना पुलिस को इस बाबत सूचना दी। क्षेत्रवासियों की सूचना पर सांकेत नगर थाना पुलिस सिविल डिफेंस की टीम के साथ मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम ने क्षेत्रवासियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। नदी से निकाले गए शव की पुलिस ने स्थानीय लोगों से शिनाख्त करवाने का प्रयास किया तो मौके पर उपस्थित लोगों ने मृतक की पहचान पंजाबी जीन निवासी 55 वर्षीय कैलाश चंद मौलपुरिया पुत्र के रूप में की। मृतक की पहचान हो जाने के बाद सांकेत नगर थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया है, जहां पर परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। व्यावर में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव देखे जाने के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। मुझे यहां से फोन आया था क्षेत्रवासी द्वारा कि भाई हमें यहां पर पानी में तैरती हुई लाश दिख रही है, तो फोन के द्वारा मैं यहां पहुंचा, देखा तो प्रशासन को फोन किया, पुलिस वालों को बुलाया, यहां पे उनकी सबकी क्षेत्रवासी की मदद से बॉडी को बाहर निकाला गया। और इसमें पाया गया कि 4 दिन पहले एक हमारे यहाँ के घर से निकल गए थे, व्यक्ति परेशान थे, तो उनकी कल परसों रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी थाने में, साकेत नगर थाने में। उनको निकाल करके परिवार जनों को मतलब शिनाख्त कर ली गई बॉडी की, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बांसूर के हरसौरा थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने बालिका को अचेत अवस्था में महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। बालिका के परिजनों ने बताया कि आरोपी बालिका को उसके घर से अगवा कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बालिका की हालत को देखते हुए उसे महिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 4 घंटे बीत जाने के बाद भी बालिका को होश नहीं आया। वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुट गई है। रात को 11 बजे बच्ची को घर से अगवा करके नींद गई,
और जिसमें इसका मैन जो है वो दिनेश नाम का लड़का है, उसका गांव माची है और उसके साथ अन्य उसके साथी थे। और जो ये दिनेश माची है इसके मामा है जयसिंहपुरा छिंड में, जो उसका मामा का लड़का का किरसन उसका भी इसमें हाथ है। फिर उसके बाद में ये बच्चे को पूरी रात वहाँ रखते हैं, फिर सुबह गाँव में ये छोड़ जाते हैं। फिर छोड़ने के बाद में बच्ची को ही ततारपुर चौराहे की तरफ ले आते हैं, जिससे बच्ची बेहोश हालत में हो जाती है। फिर हमने उनका पीछा किया, पीछा करने के बाद में बच्ची ज़्यादा बेहोश अवस्था में थी और फिर वो एक दो दिनेश और दिनेश के साथ जो अन्य थे वो बच्ची को बेहोश की अवस्था में छोड़ के चले गए। फिर हमने डॉक्टर के वहाँ नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखाया, दिखाने के बाद बच्ची को होश नहीं आया। अब यहाँ पर जनाना हॉस्पिटल अलवर में लेकर आए हमने और बच्ची को अभी तक कोई होश नहीं है, उसकी कंडीशन ज़्यादा बेकार है, शरीर पर कुछ निशान भी है उसके। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।